ज़िंदगी की रोशनी वक्ता कौन है? जो के में, सीनियर है। के में और हैं। इन्हें क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है इन्होंने क्रिस्टियन मेडिकल से एम से बी की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडो हॉस्पिटल से की है ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑस्टेटिक्स लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी जय मसी जय मसी वॉट अ ग्रेट थिंग इट इज टू कम इन टू गॉड्स प्रेजेंस परमेश्वर की, की।, की उपस्थिति में आते समय कितना आनंद है एंड टू है आज के दिन आप लोगों से मिलने में कितनी खुशी की बात है इट इज अ वरफुल्स वर्ड टुगेदर। आए एक साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय कितना आनंद ही आनंद है बिकॉज गॉड्स वर्ड इज अफी क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाओ का एक दीपक है विदाउट दिस लैम्प वी के नॉट वॉक इन दिस लाइफ इस दीपक के बिना हम अपने जीवन में चल नहीं सकते और परमेश्वर के इस वचन के लिए हम पूरे दिल से धन्यवाद ऑल ऑफ यू माई व्यूअर्स और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जो भी दर्शक है नाउ टूडे वी गोट टॉक अबाउट और आज के दिन जो है फियर ऑफ फेथ परमेश्वर के भय के साथ मिला हुआ विश्वास के बारे में हम बातें कर रहे वी गोट टॉक अबाउट फियर डर के बारे में हम बोलने वाले हैं ऑफ और विश्वास के बारे में भी सो द गॉस्पल ऑफ मार्क इज एन अमेजिंग बुक और यहाँ पर सुसमाचार समाचार का किताब बहुत ही महान किताब है इट वॉज रिटन बाई जॉन मार्क और योना के द्वारा एक किताब लिखा गया है With फर्स्ट हैंड information विच ही गॉड फ्रॉम सेंट पीटर और पत्रिस के द्वारा जो उसको समाचार मिला है उसके बारे में यहाँ बताया गया यू नो you know पीटर Peter जीसस इज disciple. आप सभी लोग जानते हैं की पत्रिस परमेश्वर यीशु मसीह का एक चेला था एंड in द बुक ऑफ एक्ट वी लर्न प्रेरितों के काम के किताबों में हम पढ़ सकते हैं कि ये मार्कुस और पत्रस जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर काम करते थे time, और इस समय की बात है मार्क लर्नड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड व्हेन पीटर वॉकड विद जीसस ऑन अर्थ जब यीशु मसीह इस जगत पर चल रहे थे तो जो है पत्रस के द्वारा मार्क ने बहुत कुछ कार्य जान लिया है ऑल दैट ही हैड सीन और उसने जो कुछ भी देखा ऑल दैट ही हैड एक्सपीरियंस और उसने जो कुछ भी अनुभव किया है मार्क लर्नड फ्रॉम पीटर और मार्कुस ने इस सब पत्रस के द्वारा उसने सीखा है जॉन टेल्स अस अ सिमिलर थिंग और यही बात जो है योना भी बताता है ही सेज इन द बुक द फर्स्ट एपिसोड जॉन वर्स 1 और पहला योना का किताब में बताया गया है दैट व्हिच वाज फ्रॉम द बिगेनिंग जो शुरुआत में था व्हिच वी हैव हर्ड जो हमने सुना है व्हिच वी हैव सीन विद आईज जो हमने eyes, देखा है अपनी आंखों के द्वारा व्हिच वी हैव लुक्ड अपॉन और जिसको हमने देखकर जान लिया है एंड आवर हैंड्स हैव टचड और हमारे हाथों ने इसे छुआ है दिस वी प्रोक्लेम कंसर्निंग द वर्ड ऑफ लाइफ और यही हम जो है परमेश्वर के उस वचन को हम कहते हैं सो इज जॉन और यहाँ पर योना क्या कहता है ही एवरी पार्ट ऑफ सेंसेस हमारे हर एक एक जीवन के संभव को बताता है। वेदर इट इज हियरिंग टचिंग वह देखे छूना और अनुभव करना चाहे कुछ भी हो एवरीथिंग वाज वॉज इन एक्सपीरियंसिंग जीसस और ये सब जो है परमेश्वर के जीवन के अनुभव के बारे में बताता है। वाज एन आई विटनेस और यहाँ पर पत्रस एक गवाह था to the life and ministry of Jesus. यीशु मसीह के जीवन और उनकी सेवकाई में. What a great thing that is. ये कितनी महान बात है दोस्तों. How exciting to learn from someone who had been with the Master. जो एक गुरु के साथ था उसके द्वारा कुछ बातों को सीखना कितनी अच्छी बात है. Now Mark chapter four. मार्कुस का किताब अध्याय चार. Gives us a living demonstration. हमें एक अच्छा जीवन का संभव घटना को बताता है. of what Jesus said यीशु मसीह ने जो कहा था when he talked about trusting in him उनके ऊपर विश्वास करने के विषय में you know children instinctively trust their father और बच्चे लोग जो है ज्यादातर अपने पिता पर विश्वास करते हैं दे ट्रस्ट मदर्स एज वेल अपने माता पर भी विश्वास तो करते हैं बट इट सीम्स ट्रस्ट इज फंडामेंटली विद द फादर लेकिन ज्यादातर उन लोगों का विश्वास अपने पिता के ऊपर रहता the father है। द फादर फिगर सीम्स टू हैव इन देयर हार्ट्स और उनके मन के अंदर पिता एक महान रूप में बने हुए होते हैं यू नो गॉड अस टू ट्रस्ट हिम परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उन पर विश्वास रखें लाइक वी वुड ट्रस्ट आवर ओन फादर जैसे हम अपने

He, पर उस पर भी, भी हमारे चार चलने के लिए तैयार हम लोगों के जीवन के मार्गो के सामने बहुत सारे भयंकर कार्य आए भी जाए गॉड है डोन्ट बीट मत डरो बिकॉज आई एम विथ यू मैं तुम लोगों के साथ हूँ आई विल नेवर लीव यू मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूगा तुम्हें कभी धोखा दूंगा सो गॉड वेथ परमेश्वर चाहते हैं कि ये विश्वास हम लोगों के जीवन That में आ जाए कि वे कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। so जब आप लोग अपने जीवन में तूफान का सामना करते हैं आई यू फिल्ड विद फेथ क्या आप लोगों के अंदर विश्वास है और आई यू फिल्ड विद फियर नहीं तो आप लोगों के अंदर डर है दिस इज वॉट बी गुड सी टू और आज के दिन हम इसी बात को जानने वाले है फेथ और फिर विश्वास और डर द स्टोरी ऑफ जीसस कामिंग द स्टॉर्म यीशु मसीह के कहानी के बीच में जो है एक तूफान आता है इज टोल्ड इन द थ्री साइनिक गॉस्पल्स और यहाँ पर जो है तीन सुसमाचारों में बताया गया है इन द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू मार्क एंड लूक मती सुाचार मार्कू सु और योना का सु समाचार सो दैट वी कैन सी दैट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन सभी के द्वारा हम ये जानते हैं कि ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है इट वाज एच डीप इन द मेमोरी ऑफ द डिसिपल्स और यहां पर चेले लोगों के जीवन में ज्यादातर गहराई से ये बात चली गई मेड अ डीप इंप्रेशन अपॉन देम और उनके जीवन में बहुत बड़ा सा ज्यादा बाधा डाला है सो इन अ क्वेंट सेटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ गैलली और गैली के उस जगह में जो है इन द फर्स्ट सेंचुरी ए डी पहले uh, वंशावली में पीपल crowded अराउंड Jesus. यीशु मसीह के चारों ओर लोग आने लगे पीपल केम फ्रॉम everywhere. बहुत दूर दूर से देशों देशों से लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आए to सी हिम कुछ लोग उन्हें देखने के लिए आए, कुछ लोग उनसे सीखने के लिए हीलिंग कुछ लोग जो है चंगाई के लिए आए, लगातार जो है प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर लोग रहने ही लगे एंड ही them फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स और उन्होंने जो है व्यवस्था से उनको शिक्षा दिया एंड क्लोज बाय वर डॉक्ड देयर और वहाँ पर किनारे में जो है कुछ नाव भी थे मसीह इन लोगों को छोड़कर थोड़े समय के लिए वे विश्राम करना चाहते थे he was tired. वे बहुत थके हुए थे। सो ही अ बोट इसीलिए वे एक नाव पर चढ़े एंड ही और उन्होंने उनके चेलों से कहा टू सेल कि हम इस यात्रा को करेंगे यू विल फाइंड स्टोरी इन द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 मार्कूस के किताब अध्याय चार में इस घटना को आप लोग पढ़ सकते हैं टूर्ट दी एंड ऑफ द चैप्टर और इस अध्याय के अंतिम में फ्रॉम अबाउट वर्स थर्टी फाइव टू फोर्टी वन वचन पैंतीस से लेकर चालीस तक अगर हम पड़े तो दिस वॉज नॉट अन यूज एंड मैन अग्री टू टेक जीस इन टू बोट और ये तो नहीं बात तो नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जवान उनको वहाँ पर उनके नाव में जहाज में लेने के लिए वह सामर्थ हुआ आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद में एस दी वो सेलिंग जब वे यात्रा कर रहे थे वी हियर अ हम सुन सकते हैं की वहाँ पर बहुत बड़ी आंधी आई इट वॉज नॉट टू हैव यूज स्टोम सी ऑफ गैलली और गले के उस समुद्र के बीच में ऐसी बड़ी आंधी आना कोई uh, नई बात तो नहीं थी बट दीम टू गेन मोमेंट लेकिन यहाँ पर वह आंधी इतना ज्यादा था की वे तंग हो गए अगेंस्ट द साइड ऑफ द बोट और उस नाव यानी उस जहाज के चारों और वह आंधी टकराने लगी अपल चेले लोग उस समय तक जो है समे फिशरमैन उनमें से कुछ लोग जो है मछुआरे थे एंड दे सेड वे कहने लगे इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर अस टू हैव अ स्टॉर्म इन द सी ऑफ गैलिली इस गैलिली के इस समुद्र के बीच में ऐसे तूफान और आंधी आना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है वी कैन कंट्रोल दिस और हम इसका सामना कर सकते हैं दे वर फिशरमैन

आप लोगों के जीवन में ऐसा एक आप अपने जीवन में इधर उधर बिछड़े जा रहे होड जस्ट बी द एंड ऑफ योर लाइफ और क्या आप लोग सोचते है की ये मेरे जीवन का अंतिम समय है वेर इज जीस इन ऑल ऑफ दिस इन सभी घटनाओं के बीच में प्रभु यीशु कहा है वाई हेजेंट ही अड और इस स्थिति में वे क्यों नहीं आए हैं वाई हेज एंड टेकन कंट्रोल और इन सभी का जो है जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं लिया है यू नो वी रीड अबाउट दिस अमेजिंग इंसिडेंट और इस बहुत ही महान घटना के बारे में हम पढ़ते हैं Where was Jesus? यीशु मसीह किधर है? We read that he had gone into the stern of the boat. और हम पढ़ते हैं कि वह उस जहाज के नीचे दल में गए। Where he was lay asleep upon a cushion. और वहां पर वे आराम कर रहे थे He was sound asleep. और वे बहुत अच्छा नींद ले रहे यू you नो know, was just जस्ट tired as एनी वन ऑफ us। देखिए हमारे जैसे भी ईशू वहाँ पर वे बहुत थके हुए थे दिस शोड human साइड ऑफ Jesus। यीशु मसीह की मनुष्य तत्व को हम वहाँ देख सकते हैं जीसस

मसी का जो मनुष्य तत्व इज अ पार्ट ऑफ व्हाट क्वालिफाइज हिम टू बी आवर मर्सीफुल इंटरसेसर हमारे दयावंत परमेश्वर का होने में वह जो है योग्य बना देता है बिटवीन अस एंड द फादर हमारे बीच और परमेश्वर जो हमारे पिता है उनके बीच में Hebrews chapter चैप्टर and verse वर्स says. इब्रानियों का किताब अध्याय दो वचन सत्रह में बताया गया है दिस रीजन इस कारण ही like चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने फुल्ली ह्यूमन इन एवरी वे और सभी तरह मनुष्य तत्व तो उनके अंदर आ जाए इन ऑर्डर दैट ही माइट बिकम अ अ एंड फेथफुल हाई एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने in ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायचित करें इन सर्विस टू गॉड परमेश्वर के उस सेवा में एंड दैट ही माइट मेक अ टोनमेंट फॉर द सिंस ऑफ सीज पीपल और यहाँ पर बताया गया है कि अपने लोगों के पापों के लिए वह प्रायचित करें The tempest was raging रेजिंग ऑन outside। और यहाँ पर बहुत बड़ी आंधी थी the billows were tossing high. और वहाँ पर तूफान जो वायु था, था वो उस जहाज को टकरा रहा था But Jesus was quietly asleep लेकिन प्रभु मसीह नीचे दल में वे सो रहे इन of द boat। और उस नाव के नीचे वे सो रहे हैं ही resting रेस्टिंग आफ्टर स्ट्रेसफुल डे ऑफ मिनिस्ट्री और बहुत सेवा करने के बाद में वे थके हुए थे इसलिए वे आराम ले रहे मिनिस्टर स्पिरिट कैन ड्री ऐसे लोगो के बीच में आत्मिक सेवा करने के कारण हम थक जा सकते हाउ डिवाइन जीस वॉज ही वॉज ऑल्सो ह्यूमन यीशु मसीह चाहे जितना भी दिव्यता ऐसी बरे हुए लेकिन हमें सोचना चाहिए की वे भी एक मनुष्य है बट डिड ही नोट नो बिफोर दे टुक आउट बी एस्टॉन् क्या वे नहीं जानते थे कि उस नाव पे चढ़ने से पहले इतनी बड़ी आंधी आएगा यस जीसस न्यू हाँ यीशु जानते तो थे यू नो ही होल्ड्स द फ्यूचर ऑफ एंटायर यूनिवर्स इन इस सारे जगत के भविष्य जो है

फॉर द नेक्स्ट डे और हर एक दिन जो है अगले दिन की योजना हम करते हैं और वी आउट द हाउस और हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं। वी वुड आस्क एलेक्सा। और हम एलेक्सर से पूछते हैं एलेक्सा विल ट्रेन टूडे एलेक्सर क्या आज बारिश आएगा Alexa विल then रिसर्च हर database. Alexa जो है अपना डेटा को जो है जांच कर देखता है एंड आंसर अकॉर्डिंगली और उसके अनुसार वह जवाब देता है yes, it will rain today. हाँ, आज बारिश आएगा रेन oh, no, नहीं, आज के दिन तो बारिश नहीं आएगा But you know the नो is. लेकिन वह अंतर जानता है Alexa did नॉट know how to stop the storm. लेकिन जो है यहाँ पर बात है कि Alexa ये नहीं जानता है कि उस बारिश या तूफान को कैसे रोकें. बट did Jesus नो हाउ सिवियर द storm वुड बी ईशु मसीह क्या जानते थे कि ये जो आंधी और तूफान कितना ज्यादा तेजी से आएगा ही डिड हाँ वे तो जानते थे ही न्यू दैट इफ द स्टोम वेंट ऑन द वेड और वे भी जानते थे कि वह तूफान जो है आदि रास्ते में आने वाला है there would be a boat wreck। और वहाँ पर जो है एक जहाज के ऊपर वह टकराएगा और दे पर बहुत ज्यादा जो है लोगों का भादा होगा and Jesus knew that। न्यू मसीह ये सब जानते थे But he was asleep। लेकिन वे विश्राम कर रहे थे The Bible says। पवित्र बाइबल कहता है The sleep of a believer will be sweet and peaceful और एक विश्वासी का जो नींद है वह बहुत ही मीठा होता है बिकॉज़ ही नोस दैट द लॉर्ड इज विद हिम क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है दैट इज व्हाई इसीलिए जीसस व्हेन ही वाज अवेकेंड यीशु मसीह जब जागे हुए थे रिब्यूक द डिसिपल्स विद अ क्वेश्चन और उन्होंने जो है चेलों के बीच में एक प्रश्न डाला हैव यू नो फेथ क्या आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं है द अपोसेस लैक ऑफ फेथ रिमाइंड्स अस और प्रेरितों के उस विश्वास उनके जीवन में जो नहीं था उसके द्वारा हम ये जान लेते हैं दैट इवन दोज हु लिव्ड एंड वॉकड विद जीसस कि जो लोग परमेश्वर के साथ रहते थे जो लोग परमेश्वर के कार्यों को देखते थे सॉ हिज मिरेकल्स जिन्होंने उनकी चमकदार अद्भुत कामों they को देखा है हर्ड हिज मैसेज और उन्होंने उनकी शिक्षा को सुना है बट स्टिल दे फाउंड इट 100% इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू बी फेथफुल ऑल द टाइम फिर भी जो है ज्यादातर 100% जो है उन सभी बातों को समझने में वे बहुत सामर्थ्य नहीं थे However, the lack of faith was rebuked. और उन लोगों के अंदर जो अविश्वास था वह चला गया And Jesus is saying the same thing to us today. और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यही बात हमसे कहते हैं Where is your faith? आप लोगों का विश्वास किधर है इफ जीस वॉज एबल टू रेस्क्यू स्टॉम अगर प्रभु यीशु मसीह उस आंधी ऐसी उन प्रेरित को बचा सकते हैं तो, is able to us. आज के दिन हमें भी वे बचा माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्तों व्हाट इज द स्टोम दट इज रेजिंग इन योर लाइफ आज के दिन आप लोगों के जीवन में वह क्या है तूफान है जो आपको तंग कर रहा is it है इज इट अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या एक दूसरे के संगति में आ, समस्याएं है क्या इज इट अ प्रॉब्लम बिटवीन हजबेंड एंड पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते का समस्या है जो समस्या वह है क्या इज इट अ प्रॉब्लम बिटवीन योर फादर एंड सन यानी पिता और पुत्र के बीच में समस्याएं है क्या और इज देर इज स्ट्रॉम बिकॉज ऑफ योर सिकनेस नहीं तो आप लोगों के रोग के द्वारा वहाँ पर uh, एक समस्या है क्या इज असट बिकॉज ऑफ योर जॉब यू लॉस्ट और जो काम आपने खोया है उसके द्वारा आप लोगों के जीवन में आंधी और तूफान है और डिट इज और राइस बिकॉज वेरी क्रूशियल इन योर फैमिली फास्ट अवे और आपके परिवार में जो बहुत ही प्रेमी थे वे इस संसार को छोड़ गए हैं उसके द्वारा वह तूफान है वॉट एवर दैट स्टोम व तूफान चाहे कुछ भी हो जीसस इज स्टिल इन कंट्रोल ईशु मसीह अभी भी आप लोगों के बीच में है डोंट बी अफ्रेड आप लोग कभी डरना नहीं डोंट पैनिक

और उन्होंने उनको उठाया प्रभु आप कैसे सो रहे हो बिकॉज वी आर गुन ओ सिंह बिकॉज ऑफ दिसम और इस आंधी के कारण हम डूब नाश होने वाले हैं। डोंट यू इवन खेर क्या आपको कोई चिंता नहीं है you know, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी चेले जो है बहुत दिनों से के साथ हैं। भी जानते हैं कि जो भी उनको डराने वाला कार्य है उन सभी के ऊपर अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है बट दे डिप्रिएट दट पावर लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उसका सामना वे कैसे करें दे The faith to rebuke the storm in Jesus' name. और वे ये नहीं जानते हैं कि ईशु मसीह के नाम से वह तूफान या आंधी का सामना वे विश्वास के साथ कैसे करें This is what we need to learn. दोस्तों आज के दिन हमें यही सीखना है we need to learn how to battle in Jesus' name. नेशु मसीह के नाम से इन सभी का सामना हमें कैसे करना चाहिए These मोर एंड मोर डिफिकल्ट और आज का ये दिन बहुत ही आने वाला जो दिन है और जिस दिन का सामना हम कर रहे हैं वह ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है। They have been storms in our life before. और इससे पहले हमारे जीवन में ऐसे तूफान थे

fight in Jesus name. यीशु मसीह के नाम से हमें लड़ना है. Rebuke the storm confidently. और विश्वास के साथ ये आंधी और तूफान को डांटना है. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम से. You know this passage not only reveals Jesus's true humanity. और यहाँ पर ये जो घटना जो है प्रभु यीशु मसीह की मनुष्य तत्व को बताता ही नहीं बल्कि. But it also talks about Jesus's deity. यीशु मसीह की उस सामर्थ को दिखाता है. Because only God can make the winds and the waves क्यूँकी परमेश्वर ही आंधी और तूफान को डांट कर उसे रोक सकता है किताब अध्याय आठ वचन पच्चीस में हम पढ़ते हैं विध वन क्विक वर्ड फ्रॉम क्राइस्ट और मसीह के एक शब्द के द्वारा द स्टॉम अड और वह तूफान रुक गया और वह समुद्र बहुत शांत हो गया पॉस मार्वल्ड एट पावरफुलिस और उनके इस सामर्थ्य को देख कर वे प्रेरित बहुत हैरान हो गए और सारे कार्यो के ऊपर यू नो दिस कैन बी वेरी कम्फर्टिंग टू द क्रिस्टियन एनस्टोम और यहाँ पर जो मसी के जीवन में ज्यादातर प्रभाव ढाल सकता है फेथ इन क्राइस्ट इज नेवर मिस प्लेस और मसी के ऊपर जो विश्वास है वह कभी नहीं टलेगा इन योर लाइफ विद वन वर्ड एक ही शब्द में आप लोगों के जीवन में रहने वाले सभी तूफानों को वह रोक सकते हैं ही द स्टॉम इन योर लाइफ आप लोगों के जीवन में रहने वाले तूफान को भी शांत कर सकते हैं वाई शुड यू पैनिक आप क्यों डर रहे हो वाई शुड यू अप आप क्यों उदास हो रहे हो वाई शुड यू थॉट्स ऑफ सुसाइड और आप लोग अपने जीवन को Uh, मारने के लिए योजना क्यों कर रहे हो जीसस इज एबल टू गिव यू द विक्टरी यीशु मसीह आप लोगों को जय देना चाहते हैं बट वर्सेस फ्रॉम 39 टू 45 से और यहां पर हम अध्याय 35 से हम पढ़ सकते हैं ही गॉट अप रिब्यूक द विंड और उसने उस uh, आंधी और तूफान को डांटा एंड ही सेड क्वाइट और पानी से कहा He's शांत रहे बीस्ट थम जा

परमेश्वर ईशु मसी सामर्थ्य है गॉड अथॉरिटी और सभी सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर ने आप लोगों के हाथों पर दिया सबमिट योर ब्रोकन लाइफ आर्म्स ऑफ जीसस आप लोगों के टूटे हुए जीवन को परमेश्वर के हाथों पर सौंप दीजिए वह सर्वशक्तिमान है ही विल टेक केयर ऑफ यू आपके जीवन का जिम्मेदारी ले Shall लेगा चलिए हम प्रार्थना करेंगे फादर विजर्स थैंक यू सो मच बीता हम बहुत ज्यादा आपको धन्यवाद ऑफ बेहू के आंधी और पानी आपकी आज्ञाओं को मानती है द स्टोम ऑफ बेहू ये तूफान आपकी बातों को मानता है यू आर सॉवर आप सर्वशक्ति मान है यू आर सी

फ्रेंड राजाओं का राजा हमारा मित्र है इन जीसस नेम ईशु मसीह के नाम से Amen, आमेन